देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले इतिहास के जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो ज़्यादातर कवर किए गए हैं, चाहे वो मिडेवल के हों, चाहे वो एशियंट के हों, चाहे वो क्या नाम है मॉडर्न के हों। तो इसमें इम्पोर्टेंट युद्ध ही हैं सारे, और डेट हैं। देखिए, डेट जितनी ज़्यादा हो सके आप याद करें, क्योंकि मोस्टली यही डेट पूछी जाती है। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और इसमें क्या नाम है सिकंदर विजय हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा हाइडे स्पीच का युद्ध, या इसको एक और नाम से जाते हैं झेलम का युद्ध। किसका नाम? झेलम का युद्ध। तो पूछा जाएगा क्योंकि झेलम नदी के तट पर ये लड़ा गया था। तो इसमें कब लड़ा गया था? ये 326 में। तो भारत ने जो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो आप बता सकते हैं 326 ईसा पूर्व। सिकंदर कोने से दुनिया का विश्व विजेता भी कहा जाता, कि लगभग इसने सारी दुनिया क्या कर ली थी, जीत ली थी। देखिए, जब इसने राजा पोरस को हराया था तो ये इससे पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था, और जब यहाँ से इसके जितने भी क्षेत्र जीत लिए थे तो वापस इसको वापस दे के चला गया था, और पोरस को इसने अपना फ्रेंड बना लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच है? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। और जीता कौन था इसमें? तो आप बताएंगे सिकंदर इसमें जीता था। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कलिंग का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। ये किस किस के बीच में होता? देखिए, मौर्य वंश के राजा अशोक कुमार और राजा अनंत पंडानाभन के साथ हुआ। इसमें राजा मौर्य जो सम्राट अशोक है ये जीत गए थे, ये बताया जाता है। देखें, इससे पहले अशोक ने बहुत मार काट की थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं लड़ाई की थी, लेकिन इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व। किस किस के बीच में लड़ा गया, तो आप बताएंगे अशोक और अनंत पंडानन के बीच में लड़ा गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कलिंग के युद्ध के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो आप बताएंगे इसका एक 13वां अभिलेख है, उससे इसके बारे में, इसके युद्ध के बारे का विवरण मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया, तो 712 में आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसने जो सिंध का राजा था, राजा दाहिर को हराया था, और मोहम्मद कासिम इसमें क्या हो गया था? जीत गया था। देखिए, तीनों युद्ध को आप दोबारा से सुने। हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया 326 में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, सिकंदर इसमें जीता था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 के बीच अशोक और राजा अनंत पंडानामन के बीच, अशोक इसमें विजय हुआ था। और सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? 712 में, और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पहला अरब आक्रमण भी अगर आपसे पूछने लगे तो भी 712 में बताएंगे, और राजा दाहिर सिंह को इसने हराया था। नेक्स्ट चलते हैं, देखें आपसे पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1191 के बीच मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन जीत गया था? तो आप बताएंगे इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजय हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? आपसे पूछा जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1192 में लगाया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें इस बार कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी इसमें जीत गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तराइन का तीसरा युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पानीपत के तीन युद्ध हैं, ऐसे इसके भी तीनों युद्ध हैं, तो आप इसे याद रखेंगे 1215 में। ये किस किस के बीच में? तो आप बताएंगे इल्तुतमिस और यालदौज कह लें या कुब्जा कह लें, दोनों इसी का नाम है। और इसमें कौन जीता था? तो आप बताएंगे इसमें इल्तुतमिस विजय रहा था। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा हैं जयचंद, तो इसमें जीते कौन थे? मोहम्मद गोरी जीते थे, और इन्होंने भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 21 अप्रैल 1526। देखिए, सन तो सभी को याद होता है इसका 1526, विद डेट के साथ याद रखें आप। तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन है? ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक बताओ, तो आप बताएंगे इब्राहिम लोदी। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था, तो आप बताएंगे इब्राहिम लोदी। और इसकी बाबर के साथ लड़ाई हुई थी जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें कौन जीता था? बाबर। लेकिन बाबर का जीतने का कारण पूछने लगे तो आप बताएंगे इसका तोपखाना है, जिसकी वजह से ये जीत गया था। भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी लेके आया, पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। और जो उसके तोपची थे आपके, उसका नाम पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? उस्ताद मुस्तफ़ा। और क्या नाम है? उस्ताद मुस्तफ़ा। इसके क्या थे? तोपची थे, अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। जीता इसमें कौन सा था? बाबर ही जीता था। तीसरा लड़ा देखिए घाघरा का युद्ध,
घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये याद रखेंगे 6 मई 1529। देखिए वैसे आप 4 युद्ध याद रखेंगे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। एक होता 1526, 1527, 1528 और 1529। पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का और फिर घाघरा का। चारों में जो शासक है वो तो कौन रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे, इधर तो रहेगा बाबर। पहले में तो कौन हो गया, इब्राहिम लोदी। दूसरे में राणा सांगा हो जाएगा। तीसरे में जो थे मेंदनी राय थे। और चौथे में कौन हो गए, लोदी अफगान। और इन चारों के चारों युद्ध में कौन जीते थे, तो आप याद रखेंगे इसमें बाबर जीता था। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 26 जून 1539। इम्पोर्टेंट रहेगा 1539, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया 26 जून 1539 में, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, किस किस के बीच में लड़ा गया, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। जीता कौन था इसमें, तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत की सबसे लंबी सड़क बनाई थी, जिसका क्या नाम था, शेरशाह सूरी मार्ग। और क्या नाम, इसे नाम बदल दिया था किसने, तो नाम था उनका जॉर्ज ऑकलैंड, किसने बदला था, और जी टी रोड कर दिया था, जिसका नाम है ग्रैंड ट्रक रोड। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1540 में लड़ा गया है, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और इसमें फिर से कौन जीता था, तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी इसमें जीता था। नेक्स्ट देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 5 नवंबर 1556। पहला कब लड़ा गया था, तो आप याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526। दूसरा कब है, 5 नवंबर 1556। इसमें कौन कौन, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें जीता कौन था, तो आप याद रखेंगे इसमें अकबर जीता था। नेक्स्ट चलते हैं देखें तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 23 जनवरी 1565 में, और दक्कन के संतलत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, और जीते कौन थे इसमें, जो दक्कन के संतलत थे वो इसमें जीते थे। तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565, पानीपत का दूसरा युद्ध 15 नवंबर 1556, बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध तो बताएंगे 1540, चौसा का युद्ध पूछने लगे तो 1539। चलते हैं देखिए भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 18 जून 1576 को लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और जीते कौन थे इसमें, तो आप बताएंगे अकबर जीते थे। नेक्स्ट प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1740 से 1742 के बीच, और ये कौन है, गवर्नर है एक डुप्ले, फ्रांसिस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नाटक के नवाब थे जिनका नाम है अनवर उद्दीन। तो जीते कौन थे इसमें, अंग्रेज जीत गए थे, डुप्ले इसमें जीत गए थे। तो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था, आप बताएंगे 1740 से 1742। तीन युद्ध हुए कर्नाटक के। दूसरा पूछने लगे, दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1749 से 1754 के बीच, फिर से इसमें ब्रिटिश सेना थी, और सामने कौन सी थी, फ्रांसीसी सेना, और जीत गई कौन थी इसमें, तो आप बताएंगे ब्रिटिश सेना, जो ओरिजिनल अंग्रेज थे। तीसरा युद्ध पूछने लगे कर्नाटक का, तो आप बताएंगे 1756 से 1763 के बीच, ये भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच है, और इसमें भी जीते कौन थे, अंग्रेज, और फाइनली ये भारत यहाँ से चले गए थे। तो जैसे पानीपत के तीन युद्ध होंगे, ऐसे तराइन के तीन युद्ध हैं, और ऐसे ही कर्नाटक के तीन युद्ध आए। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध, आपसे पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1757, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जीता कौन है इसमें, तो आप बताएंगे अंग्रेज, कौन जीता, अंग्रेज। नेक्स्ट चलते हैं वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1760 में, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, जीते कौन थे इसमें, तो आप बताएंगे अंग्रेज जीते थे इसमें। नेक्स्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे 14 जनवरी 1761, कब, 14 जनवरी 1761 में ये लड़ा गया, किसके इसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा, किसमें, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1764 में, मीर कासिम और सुजाउद्दौला के बीच लड़ा गया, और शाह आलम द्वितीय, और इधर से कौन थे, अंग्रेज, एक तरफ से ये तीन जने थे और एक तरफ से अंग्रेज थे, और इसमें जीते कौन थे, तो अंग्रेज जीत गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1764 में। नेक्स्ट चलते हैं देखें मैसूर के चार युद्ध आएंगे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैं चारों के चारों डिस्कस करता हूँ। देखें पहले क्वेश्चन की तरफ, देखें आपसे पूछा जाएगा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बताएंगे 1767 से 1769, कितने साल चला, 3 साल। तो इधर तो कौन थे, हैदर अली, और उधर कौन था, अंग्रेज, जीत गए कौन थे इसमें, हैदर अली जीत गए थे। दूसरा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तो ये 1780 से 1784 के बीच, ये 4 साल चला है मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, इसमें कौन जीत गए थे, तो आप बताएंगे अंग्रेज इसमें जीत गए थे। तीसरा युद्ध मैसूर का कब लड़ा गया, 1790 से 1792, ये 2 साल चला है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, इसमें फिर से अंग्रेज जीत गए थे। एंड द लास्ट चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, तो इसमें कौन जीते थे, अंग्रेज जीते थे।
तो देखिए चार युद्ध हुए, पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा हुआ 1799। पहला चला 3 साल, फिर 4 साल, फिर 2 साल और फिर 1799 में इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा 27 में, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया? तो आप बताएंगे 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, और जीती कौन थी इसमें? तो बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। भारत और चीन सीमा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इम्पोर्टेंट, हमारा चीन के साथ युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था और इसमें चीन जीत गया था, और चीन ने हमारा ऊपर से जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है आधा तो पाकिस्तान ने लिया, कुछ आधा हिस्सा इनके पास है। तो पूछे भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? तो आप बताएंगे 1962 में हुआ। नेक्स्ट, भारत और पाक युद्ध कब लड़ा गया? तो आप बताएंगे 1965 में लड़ा गया। तो इसमें कौन जीता था? इसमें भारत जीता था। चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में। एक में चीन जीत गया हमसे और दूसरे में भारत जीता था। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ देखें एक युद्ध और लड़ा गया, तो आपसे पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो आप बताएंगे 1971 में। कब लड़ा गया? 1971 में। इसमें भी कौन जीता था? तो इसमें भी भारत जीता था। पहला, भारत और पाक युद्ध कब लड़ा गया? एक तो 1965 में लड़ा गया जिसमें कौन जीता था? भारत। फिर दूसरा पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो आप बताएंगे कब? 1971 में, और इसमें भी कौन जीता था? इसमें भारत जीत गया था। तीसरा युद्ध आपसे पूछ सकता है कि बताए कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया 1799 में, और इसमें भी कौन जीता? भारत। देखिए पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध हुए, पहला युद्ध हुआ 1965 में हम जीत गए, दूसरा युद्ध हुआ 1971 इसमें भी हम जीत गए, और तीसरा युद्ध हुआ था कारगिल के नाम से। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप बताएंगे 1799 में, और भारत पाकिस्तान के बीच जीता कौन है इसमें? तो आंसर हो जाएगा भारत।